इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि प्रस्तुत एकांकी में स्वराज्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई का त्याग संघर्ष का वर्णन किया गया है, साथ ही वो स्वराज्य की नींव रखने के लिए स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने देखा था तो तात्या जो है, जो सेनापति है, वो ऐश्वर्य में जी रहा है और उसके बाद वो विलासिता में भी डूबे हुए हैं। उस पर मुंदर कहता है, पेज नंबर 16 को देखिए, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हुए हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही उस पर कहती है, नहीं मुदर, सेनापति नहीं। मुदर मुस्कुराती है, ओह समझी। मुदर सेनापति का पक्ष लेती है। जूही कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है वो छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी वो मानती है। जूही जो है वो तात्या को अपने तन मन का स्वामी मानती है। मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उससे भी अधिक है महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। देखो जूही कहती है, मैं महारानी लक्ष्मीबाई को भी अपना स्वामी मानती हूँ, अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ, यानी कि देश से बढ़कर मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं है। मुदर कहता है, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने अपने स्वामी उन्हें मान लिया है तो उन्हें क्यों रोकती नहीं, तू क्यों उसे कहती नहीं कि तुम देश के लिए कुछ करो? लक्ष्मी कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुदर, मैं जानती हूँ, जूही ने उनको रोका है मैं जानती हूँ। जब राज साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने आए थे तो उसने पूरी तरह धमका दिया था, यानी कि मना कर दिया। जूही कहती, हाँ रानी मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बनने देती हूँ। इस प्रकार वो उसको भी ठोकर मार सकती है। लक्ष्मी कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही तो दर्द में कचर रहा है, अगर ठोकर मार कर उनकी मधुमसी दूर कर दे तो बस, अरे ऐसी परिस्थिति नहीं आती। जूही कहती है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुदर मैं भी तैयार हूँ, हम सब चलकर उनकी नींद खराब करें, यानी कि जो राव साहब है तात्या है वो जो विलासिता में डूबे हुए हैं उनको विलासिता में बाहर लाने के लिए, देश के जगाने के लिए ये तीनों जूही मुदर और लक्ष्मी प्रयत्न कर रहे हैं। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मी कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई और भी चौड़ा कर देती है, क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे के किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से सत्ता की घटा और भी गहरी नहीं होगी? मुदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाए अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झलक उठेगी। श्रीखंड और लड्डू पर जान देने वाले ब्राह्मण को आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा और उसी समय में तोपों की आवाज टूटी की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी कहती है, और जूही तू अगर तात्या को पूछ सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहते हैं, यानी कि जूही को कहती है तुम तात्या को पूछ कर लाओ। जूही कहती है, पूछ क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं पाताल से तुम्हें खींच कर लाओ, यानी जो भी आपने आज्ञा की है तो तात्या को मैं पाताल से भी खींच कर लाऊंगी। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करता है। रघुनाथ कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मी कहती है, क्या रघुनाथ? रघुनाथ कहते हैं, महारानी जनरल रोज याद रखना कि सेना ने मुराद में पेशवा की
जनरल रोज ने आक्रमण कर दिया है। जूही काप पर क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मण, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, यानी कि लक्ष्मण कहते हैं ग्वालियर में नहीं रुकी हूँ। रघुनाथ, मैं जानती हूँ वह कभी भी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार कर रहा हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया और जाता है। लक्ष्मण कहती है और तू भी जाओ, सहसा बाहर देखता है लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है तात्या इधर आ रहे हैं। जूही की बाहर देखकर हाँ ये सरदार तात्या ही है, उस समय तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मण कहते कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूले पड़ गए? तात्या कहते भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सिंह हूँ। लक्ष्मण व्यंग से कहते इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर कोई बात नहीं छोड़ो, यह तुम्हारी विनम्रता है लेकिन टोपू की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों ने झांकी पटना भी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहते भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है और इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है, यानी कि आपको पता है कि युद्ध के कारण टोपू की आवाज सुनाई दे रही है और आप मुझे व्यंग में कह रही है, यह तात्या समझता है। जूही कहती है सरकार इस बारे को माफ कर दीजिए। तात्या कहता है व्यग्र होकर भाई साहब आप युद्ध कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मण कहते तू कहती है अच्छा, लेकिन मुदर का उस समय प्रवेश होता है। मुदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मण तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशा थी, तुम्हारे आने से सब क्या हो गया? जूही सरकार ये सौंपे होते हैं। लक्ष्मण लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, यानी कि लक्ष्मण कहती है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तात्या आप आज भी सेनानायक हो और सेनापति बनकर हमारी सेना का नेतृत्व करो और वो बिना सेना को छोड़ दो और देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार लक्ष्मण तात्या को समझा दिया है कि तुम देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। अब आगे देखते हैं कि तात्या क्या करता है। तात्या महारानी आपकी जय हो। इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिली तो मैं सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या ऐसा ही होगा। तात्या मेरा मन कहता है कि यह जीवन मेरा जीवन का अंतिम युद्ध है। लक्ष्मण कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। तात्या भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकते, आज्ञा दीजिए। और उस समय तात्या बैठा जाता है। लास्ट में देखिए लक्ष्मण कहती है प्रणाम तात्या, मैं सीधे तुम्हें युद्ध भूमि में मिलूंगी, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही और मैं तो खाना संभालूंगी। लक्ष्मण कहते और हम सब मिलकर स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य का दीर्घ बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। पृष्ठभूमि में उद्घोष उधर आता है, मंच पर प्रकाश आ जाता है, धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उठने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही, तात्या, रघुनाथ, सेनानायक यह सब मिलकर हमारे देश के स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसकी शुरुआत कर दी और वो स्वराज्य के नींव के पत्थर बन गए थे। हम यहाँ तक रखते हैं, इसके साथ हमारा ये एकांगी का जो चैप्टर था पूरा हो जाए। सजन स्वयं महाराज जय। और इस बात का स्वाध्याय पर लिख देना है, जो सरदार लिखा वो हो गया, विमर्ण हो गया, लिख देना।
देखो शब्दार्थ है ऐश्वर्या, विलासिता, स्वराज्य, अपना राज्य, भूमि तैयार करना, आधार बनाना, आगे बढ़ना, सजग होना। इसके बाद आप इसका शब्द लिख देना, सजग स्वामीनारायण जय। दरेक विद्यार्थी ने जय स्वामीनारायण।